हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल दिस इज प्रयाशा दास मुझे भूल तो नहीं गए आई नो आई हैव नॉट बीन अपलोडिंग वेरी फ्रीक्वेंटली बट देन आई एम बैक एंड जैसे कि मैंने अपनी कम्युनिटी पोस्ट में कहा था दैट फर्स्ट ऑगस्ट ऑनवर्ड्स यू विल फाइंड दीज वीडियोस वेरी वेरी फ्रीक्वेंटली ऑन द चैनल द रीजन बीन दैट इज स्लाइटली मोटिवेटिंग फॉर यू पीपल आई टेल यू हाउ बिकॉज आज मैंने एक कल ही रियलाइज किया इसलिए मैंने इतना बड़ा कमिटमेंट अपने कम्युनिटी पोस्ट में डाल दिया दैट फ्रॉम फर्स्ट ऑगस्ट यू विल बी सीइंग वीडियोस कमिंग इन बिकॉज जब मैंने अपने अराउंड अपने फेलो क्रिएटर्स को देखा तो मैंने रियलाइज़ किया कि सक्सेस कम्स व्हेन पीपल शो देयर फेस यूज गुड वीडियो एडिटिंग बिकॉज ये लोग ना अच्छे से ऑडियंस का ध्यान ग्रैप कर सकते हैं बट देन आई रियलाइज दैट दिस चैनल वॉज स्टार्टेड विद अ पर्पज टू रीच द राइट ऑडियंस एंड कन्वे दैम द राइट इन्फॉर्मेशन एट द एग्जैक्ट राइट एंड रियल टाइम एंड इसके लिए मुझे अगर ये सब कुछ करना पड़े यानी कि जो अच्छी मूवी की तरह दिखे तो ये मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा टू बी वेरी ऑनेस्ट ह्यो अगेन गाइज दैट अ पर्सन हु इज़ हैविंग अ फुल टाइम कोऑपरेट जॉब एंड जो ओलम्पियाड के स्टूडेंट्स की भी प्रिपरेशन करवाती है एंड टू टॉप इट शी आई एम ऑल्सो एसोसिएटेड विद थ्री लीडिंग ओलम्पियाड जिनके लिए मैं क्वेश्चन प्रिपेयर करती हूँ एंड टू लीडिंग इंस्टीट्यूट जिनके लिए मैं मॉक के क्वेश्चन बनाती हूँ

इसी तरह से सिंपल वे में पहुंचाऊंगी। अब अगर आप सचमुच एक जेनविन ऑडियंस हो और इससे फ़ायदा उठाना चाहते हो

मैं ऐसा इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि 14 डेज तो इंडियन हॉलीडेज़ है और सिक्सटीन तो आपके संडे आ गए नाउ दैट डजेंट मीन दैट आपको यही तीन थर्टी डेज को अपना हॉलीडे मानना है बट दीज थर्टी डेज कैन बी यूज एज अ बफर पीरियड जहाँ पर हो सकता है कि आपको खुद को आपकी ज़रूरत पड़े आपको थोड़ा रिफ्रेश होने के लिए टाइम लग सकता है आपकी ज़रूरत किसी को और को हो सकती है सो दीज आर द सर्टन थिंग्स ड्यू टू विच आई हैव इजिली केप्ट थर्टी डेज असाइड तो प्रैक्टिकल बनते हैं और एटी फाइव डेज का कुछ सोचते हैं नाउ मैं अभी जो इस वीडियो में बोलने वाली हूँ वो अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बोलना चाहती हूँ ये किसी भी वीडियो में ना मैंने अभी तक देखा है ना किसी टीचर को बोलते हुए सुना है क्योंकि जनरली टीचर के पास ये एक्सपीरियंस नहीं होता जो एक रियल टाइम एस्पेरेंट का होता है तो उसको बेसिस पे रखकर मैं आपको तीन ऐसे पॉइंट बताने वाली हूँ जो कि आपके हर एग्जामिनेशन में आपका काम आएंगे सिर्फ कैट और के लिए नहीं एनी एग्जामिनेशन योर टारगेटिंग इज गोना गेट रियली गुड इफ़ यू फॉलो दीज थ्री थिंग्स पॉइंट नंबर वन विच यू ऑल नीड टू फोकस ऑन इज दैट यू हैव टू प्रैक्टिस एटलीस्ट टू डिफरेंट टॉपिक्स ईच डे ना टू डिफरेंट टॉपिक्स से मेरा मतलब ये नहीं है कि आज मैंसोरेशन और एरिथमेटिक्स दोनों की है टू डिफरेंट टॉपिक्स से मेरा मतलब है टू डिफरेंट सेक्शंस नाउ इफ़ यू हैव एम्पल टाइम गईज एन यू कैन ऑल्सो डू इट फॉर थ्री डिफरेंट सेक्शंस बट एटलीस्ट के लिए मैं लेकर चल रही हूँ कि सपोज यू आर वेरी बिजी एंड नो आर नॉट एबल टू डिवाइड योर टाइम

ये एजिलिटी एक दिन में नहीं आती है और ना ही एक महीने में आती है अगर साइंस और स्टडीज़ की माने तो ये एजिलिटी आपके ब्रेन में ऑन एन एवरेज 70 डेज़ की रेगुलर प्रैक्टिस के बाद डेवलप होती है एंड कीपिंग इन माइंड दैट 85 डेज में आपका एग्ज़ाम है इट्स वेरी वेरी एसेंशल फॉर यू टू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग इट फ्रॉम डे वन राइट नाव ये एक ऐसी टिप है जो आपको कोई नहीं देगा क्योंकि प्रैक्टिकली अगर आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह में चले जाओ या कहीं पे भी चले जाओ तो वो क्या करते हैं ये ऑटोमेटिकली नेचुरली करते हैं कि एक दिन में आपको तीन घंटे पढ़ाते हैं तो वो इस तरह से स्विच करके ही पढ़ाते हैं इससे आपका दिमाग क्या होता है काफ़ी हद तक एजाइल हो जाता है एंड डी डे में भी आप इजीली स्विच कर सकते हो विदाउट स्ट्रेसिंग योर माइंड तो इसलिए ये एक स्मॉल चेंज इन स्टडी प्रोसेस है जो आपको फॉलो करना चाहिए द सेकेंड क्रेजी फैक्ट विच यू नीड टू कीप इन माइंड इज इंग्लिश Remember that English is not only one section. Bilkul nahi ek section hai tino section hai. Because the questions of DILR, the questions of quants are also written in English. And when I ask you to practice English every day, it's not just to improve your vocab, it's not just to improve your grammar, it's not just to improve your reading comprehension skills, but it's more about understanding, communicating. एंड जब सेंटेंस को समझना आप सीखते हो तो उस समझने की हेल्प से ही आप क्वांट्स या डीआईएलआर का क्वेश्चन बनाते हो तो ये अंडरस्टैंडिंग अगर आपके सर में आ गई तो आप आराम से समझ जाओगे कि आपको क्या करना चाहिए यानी कि मेरे बोलने का मतलब है कि एवरी डे यू हैव टू असाइन फ्यू मिनट्स और फ्यू आवर्स फॉर रीडिंग फ्यू मिनट्स और फ्यू आवर्स फॉर लर्निंग न्यू स्टाफ कम्युनिकेटिंग लिसनिंग टू इंग्लिश टॉक शोज और इंटरव्यूज ओके

सो कीपिंग दैट इन माइंड प्लीज रिमेंबर दैट इंग्लिश सिर्फ़ एक सेक्शन नहीं है इंग्लिश तीनों सेक्शन में आती हैं तो अगर आपको इंग्लिश की नॉलेज नहीं है या अगर आपको इंग्लिश ठीक से समझ नहीं आती बस वर्ड्स के मीनिंग पता है बट ये नहीं समझ में आता कि एक डी आई एल आर के सेट में या एक पज़ल में अगर एक सेंटेंस में लिखा जाए कि एस इज़ टॉलर देन टी ओनली तो इसका मतलब होता है कि एस यहाँ पर है और टी यहाँ पर है और टी आखिरी बंदा है ये सेंटेंस की अंडरस्टैंडिंग आपको तभी समझ में आएगी जब आप फ्रीक्वेंटली इंग्लिश यूज़ करोगे ना कि आपने इंग्लिश बस एक बार स्कूल में पढ़ा था एंड आपको उसकी जनरल मीनिंग और अंडरस्टैंडिंग समझ में आती है ये काम नहीं देगी सो कीप दैट इन माइंड दैट इंग्लिश की प्रैक्टिस हर दिन करनी है एंड द थर्ड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज द स्टडी स्कैडूल गेज तो मैं आपको क्लियरली बता दूँ इट्स नॉट यू इट्स नॉट मी इट्स एक्चुअली एवरी वन हु सफर्स फ्रॉम टू डू लिस्ट वाला डेलिमा जहाँ आप दो चार दिन तो ईजिली बना लेते हो बट उसके बाद क्योंकि उसमें हाफ से ज़्यादा चीज़ें अनफुलफिल्ड रह जाती है सो दैट एक्चुअली डी मोटिवेट्स यू बट लेट मी टेल यू दैट वन थिंग विच यू नीड टू कीप इन माइंड इज कॉल्ड एज एन एक्नोलेजमेंट पार्टनर मैंने इसके बारे में अपने पहले के वीडियोज में भी बोला है कि एक्नोलेजमेंट पार्टनर का स्केडी स्केड्यूल का साथ बहुत अच्छा रिलेशन है वट डू आई से सेयर इज दैट अगर आप आज मन बनाते हो कि आज आपने दो आर पढ़नी है दो डी आई एल आर के सेट सॉल्व करने हैं तो आपको ये किसी को बताना है या एट द एंड ऑफ द डे जब आप अपना सारा बोरा बिस्तर बंद करके सोने जाते हो उस वक्त आपको किसी को ये बोलना ही बोलना है कि भैया आज मैंने ये ये किया मैंने सोचा था कि मैं तीन बनाऊंगा लेकिन मैं दो ही बना पाया ये एक्नोलजमेंट पार्टनर को बताना बहुत जरूरी इसलिए होता है बिकॉज कई लोगों में ये एक फिनमिना देखने को मिलता है दैट वी बिकम बेशरम द राइट वर्ड वी बिकम बेशरम आफ्टर नॉट बीन एबल टू फुलफिल आर टू डू लिस्ट फॉर टू थ्री डेज रेगुलरली फिर हमें लगता है कि यार ये तो हमसे होने ही नहीं वाला है एंड इस चक्कर में क्या होता है इस चक्कर में हम कर देते हैं सबसे बड़ी गलती जो कि है अपने प्रिपरेशन के बीच में ही अपना पूरा फोकस ड्रॉप कर देना

रिमेंबर आज जिस तरह इतने दिन बाद मैंने भी एनर्जी यू नो गेन करके ये डिसाइड किया है कि नहीं भाई मुझे डेफिनेटली वीडियो बनाना है और डालना है चाहे कोई भी बैरियर आ जाए नहीं दिखना वीडियो पे नहीं करनी इस वीडियो को एडिट लेकिन फिर भी आप तक ये इन्फॉर्मेशन आज ही पहुँचानी है बिकॉज़ हर एक बंदा जो कि आज सीरियसली प्रिपेयर करना चाह रहा है उस तक अगर मेरी वीडियो पहुँच जाती है देन द पर्पज़ ऑफ़ दिस चैनल इज़ फुलफिल एंड जस्ट लाइक दैट दिस इज देंड ऑफ द वीडियो गाइज वेर आई वी रिमाइंडिंग यू दैट आपको आपके ड्रीम कॉलेज से कोई दूर नहीं कर सकता एक्सेप्ट यू सो यू हैव टू डिसाइड वॉट इज योर प्रायोरिटी एंड विद दिस आई एल टेक योर लीव गाइज रिक्वेस्टिंग ऑल ऑफ यू टू फॉलो माई चैनल ऑन इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब बोथ इफ़ यू हैविन डन दैट येट एंड अगर किसी भी तरह की फ्री कंसल्टेशन चाहिए तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए और वहाँ डीएम कीजिए आपको आपके सोल्यूशन फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ मिल जाएंगे टेक केयर एंड प्लीज़ डू हिट दैट लाइक बटन कॉमेंट करके ज़रूर बताना अगर आपको स्टडीज शेड्यूल में किसी भी तरह की हेल्प चाहिए एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइज स्टिल देन टेक केयर बाय एंड स्टडी हार्ड आई वॉन्ट यू टू बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ टेक केयर गाइज